अरुणाचल, आज ऑल पपुम पामा स्टूडेंट यूनियन के द्वारा एक पीसफुल प्रोटेस्ट रैली रखा गया है, धरना रखा गया है, जो चेक पोस्ट एरिया पोस्ट पॉइंट है। यहाँ मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ ऑलरेडी धरना का जो प्रोग्राम है कंटिन्यू चल रहा है, और जहाँ आज बैनर के अनुसार मैं एक ये अपडेट पाया है कि ये पपुम पामा स्टूडेंट यूनियन की तरफ से एक मांग रखा गया है कि टीम सरकार को कि कुछ एक महीने पहले एक होम डिपार्टमेंट की तरफ से एक ऑर्डर दिया गया था कि जिसमें जो चेक पोस्ट होलोंगी है पपुमपारे रूरल पुलिस स्टेशन टीम के अंदर आता था, तो जो कि उस ऑर्डर के अनुसार से अभी कैपिटल टीम के अंदर यानी ईटानगर चिंपू पीएस के अंदर आ जाता है, जिसके कारण ये पपुम पामा स्टूडेंट यूनियन की तरफ से उसके साथ ही जितने भी बालीजान में सिटीजन से लीडर से पूरे ओवरऑल जनरल पब्लिक ने मिलकर ये नाकुश दिखाते हुए आज ये धरना रखा गया है। हालांकि उस ऑर्डर में और कुछ कुछ पॉइंट्स भी रखा गया है, आपको मैं अंडरलाइन वहां ले जाके जितने भी यहाँ के जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके जो हेड है अथॉरिटी है उनसे ही पूरी डिटेल लेते हैं। तो चलिए अंदर। ये जो ऐसे पहले जब यहाँ में कैपिटल पुलिस था, वो कैपिटल पुलिस का वो जो परफॉर्मेंस था ठीक नहीं था वो समय से जो पहले में था। इसके लिए हम लोग बोला है कि हम लोग का जो बालीजान पुलिस को ही इसको डिकवर करने दो बोल के। तो पहले का इशू हम कुछ बता देगा, जितना ड्रग्स रिलेटेड कैसे गया है हम लोग पब्लिक लोग पकड़ा है, पुलिस ऐसे नहीं पकड़ सका है, रास्ता में पकड़ा है। ये 2019 का बात है, 2019 का बात है, ये क्या बोलते हैं ब्रिज का सामने में पकड़ा है। और यहाँ में थोड़ा पहले हम जैसे भाषण में बोला है जो लो एंड अदर प्रॉब्लम होता है, खुद का यहाँ का जो होलोंगी चेक गेट का पुलिस को ही धाव कर दिया आदमी, उसी को भी अरेस्ट करने नहीं किया है, बोला कि बालीजान पुलिस आएगा तब ले जाएगा। वो समय पहले यूजी एक्टिव था, हमें इतना आदमी लोग हमें पकड़ पकड़ हरस करता था, उसमें भी पुलिस को बताया नहीं करता है। तो इसके लिए हम लोग ये लो एंड अदर सिचुएशन को टेक ओवर करने देने के लिए होलोंगी पुलिस को, होलोंगी पुलिस आउटपोस्ट को बालीजान पुलिस के लिए हम लोग डिमांड करके करने दिया है। इतना अच्छा चल रहा है, तो अभी अचानक से ये जून में नोटिफिकेशन आया प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम का थ्रू से कि होलोंगी पुलिस ही एक बनाया है, ईटानगर पुलिस रेंज को है एक्सपेंड कर रहा है। तो उसको कैपिटल जो पहले एसपी था उसको दो बना के ईटानगर नाहरलगन करके इसको होलोंगी वाला एरिया को वाला को उधर लेके चला गया। तो बोल रहे हैं कैसे बोल रहे हैं कि मतलब होलोंगी एरिया को एयरपोर्ट को और ये वीआईपी मूवमेंट है इसको कैपिटल में एंट्री पॉइंट है बोल के इसलिए दे रहे हैं। हम भी उसमें भी बोला है कि एयरपोर्ट को है कभी स्टेट पुलिस सिक्योरिटी देता नहीं, एक नंबर वन पॉइंट है इसको, तो बाद में जो है आपका सीआईएसएफ लोग तो कर ही लेगा। तो होलो आपका कैपिटल को सिक्योर करना है तो आपको ये आपका ये जो चिंपू में जो चेक गेट है उसी को करने देना है, उसी को और एक्टिव करके पहले जो चल रहा था अभी तो बंद है उसी को एक्टिव करके हम लोग को होलोंगी वाला टोटल यहाँ का जो लो एंड ऑर्डर को देखने के लिए देना है। जैसे कि आज देखो बालीजान ये एरिया जो है बालीजान एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल का अंदर में है, तो इसमें कन्फ्यूजन हो जाते हैं। आज भी आप देखिए हमें बालीजान पुलिस भी आया है, आपका ईटानगर पुलिस भी हमें बैठ रहे हैं, कन्फ्यूजन तो यही हो रहा है ना। बाद में कुछ लो एंड अदर प्रॉब्लम सिचुएशन ऐसे अराइज होगा वो भी, तो उसमें भी तो कन्फ्यूजन कौन आएगा कौन करेगा कौन नहीं करेगा। और मोर ओवर ये जो नोटिफिकेशन में जो है प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम का वासी जो निकले जो होलोंगी जो कैपिटल पुलिस का ज्यूरिडिक्शन यहाँ के नहीं दिया है, सिर्फ होलोंगी एरिया होलोंगी सिर्फ बोला है, होलोंगी का कौन सा एरिया तक कहाँ तक यहाँ से कितना किलोमीटर यहाँ से कितना मीटर तक ले वो भी टोटल कुछ रिटर्न में नहीं है, सिर्फ पुलिस को भेज दिया, वो भी इतना इमरजेंसी में भेज दिया। तो हम लोग का जो ऑल पपुम पामा स्टूडेंट्स यूनियन जो है कैपिटल एसपी को भी ईटानगर एसपी को भी रिक्वेस्ट किया है कि हम लोग थोड़ा गवर्नमेंट का साथ बातचीत चल रहे हैं नहीं सुने,
आज जैसे को जाके बात किया, शाम को भेज दिया पुलिस, जबकि डीआईजीपी अब जो जो नया डीआईजीपी अपॉइंट हुआ है उसने तो क्लियर कट बोल दिया, मेरा हम लोग को कुछ वो नहीं है, इतना इमरजेंसी नहीं, आप लोग जो प्रोसीडर जो आप लोग जो बात करना करके देख लीजिए। लेकिन कैपिटल एसपी को भी बहुत इंटरेस्ट है इसको गेट को लेने के लिए। अभी इसलिए हम थोड़ा पहले बोला है कि गेट में क्या रखा है हम लोग मालूम नहीं है, कुछ होने कुछ है क्या हम लोग भी वो सोचते हैं। लेकिन गेट को सिर्फ ध्यान नहीं देना है, यहाँ का जो पब्लिक जो बैठता है उसका सिक्योरिटी उसको भी ध्यान देना है। ड्रग्स जो कैपिटल में ज़्यादा अभी एंट्री हो रहा है, कहीं ना कहीं से एंट्री तो हो रहा है, हम लोग भी समझते हैं। लेकिन हम लोग ये बोलने जा रहे हैं कि होलोंगी का गेट को आप लोग कैपिटल में लेके आप ड्रग्स को आप बंद नहीं कर सकेगा, क्योंकि होलोंगी से कैपिटल घुसने के लिए ये गेट से नहीं घुस के भी बाईपास रास्ता बहुत ज़्यादा है। आप जो बंडरडवा से भी वापस फिर इधर भी आके घुस सकते हैं, या मतलब एक रास्ता नहीं है ना। लेकिन होलोंगी अरे चिंपू का जो गेट जो है एक सिंगल पॉइंट है, जो भी व्हीकल एंट्री होता है वहाँ से प्रिस्किंग आराम से कर सकता है। लेकिन यहाँ में होलोंगी गेट को लेके ड्रग्स रिलेटेड क्रिमिनल रिलेटेड केस को आप करेंगे आपको नहीं होगा। ड्रग्स को चीज़ को तो हम लोग भी बहुत चिंतित है, हम लोग का भाई बहन भी है कैपिटल में बैठने वाला भी, हम लोग भी कभी कभार कैपिटल में रहता है जाता है, तो सिक्योरिटी वहाँ का जो सिक्योरिटी जो है पुलिस स्टेटिंग होना है। कभी जब ऐसे ड्रग्स रिलेटेड केस पकड़ता है, जब कुछ भी क्रिमिनल एक्टिव होता है, शर्म तो हम लोग को भी लगता है, हम लोग को भी दुख लगता है। लेकिन ये बात नहीं है कि हम लोग को होलोंगी का पब्लिक को होलोंगी को खिला एरिया का जो पब्लिक को आप छोड़ के सिर्फ कैपिटल को ध्यान देगा, हम लोग भी पब्लिक है, वहाँ का भी पब्लिक है। वही है पापुमपारे पुलिस ही देख रहा था, पुलिस ही देख रहा था, तो अभी जो जिनको मिल के जो नोटिफिकेशन में चेंजेस आया था उनको आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, नोटिफिकेशन सिर्फ ये पर्टिकुलर बोल के नहीं है, आप ओवरऑल में हम वही बोलेगा कि जब भी आप पब्लिक का हित के लिए अभी जब भी आप कुछ पॉलिसी बनाता है तो यहाँ में हम लोग जो लोकल बॉडीज में पीआरए मेंबर्स होता है या का एमएलए है, लेजिस्लेटिव मेंबर है या का एडमिनिस्ट्रेशन है और पब्लिक लीडर लोग है, इसको तो पूछताछ करके करना चाहिए। और पर्टिकुलरली ये इशू में बोलेगा तो किसी को पूछताछ नहीं किया, ना ही एसपी को मालूम है, ना ही आप लोग ओसी को मालूम है, एसडीपीओ को मालूम, कुछ मालूम नहीं है। सिर्फ उन लोग को इतना मालूम है कि कैपिटल पुलिस एक बार विजिट करने आया था, ऐसे अपने रूम का अंदर बैठ के ऐसे पॉलिसी बनाना अच्छा नहीं है। स्पेशली ये जो जब भी पुलिसिंग का जो मैटर होता है वो सेंसिटिव होता है, तो स्पेशली हम लोग का ये एरिया का अगर बात करें तो और भी ज़्यादा हाइपर सेंसिटिव जगह है, क्योंकि यहाँ में तो हम लोग जो बॉर्डर एरिया वो बिलोंग करता है और बॉर्डर एरिया बिलोंग करने से बहुत ऐसे कुछ घटना पहले हो चुका है। मतलब यहाँ का जो पब्लिक और हम लोग यहाँ का पब्लिक तो शांति है, लेकिन भी जो होता है कि एक्सटर्नल जो होता है ना, जो हम लोग यहाँ का जो रिलेशन को बंद करने के लिए कोशिश करने वाला भी ऐसे पहले भी हुआ है, तो इसके लिए हम लोग बोल रहे हैं कि बालीजन पुलिस ही सुइटेबल पुलिस होगा यहाँ में रहने के लिए, क्योंकि ये नियरेस्ट तो है। और जब बालीजन पुलिस जो है यहाँ में जितना रिलेशन बनाएगा अच्छा बनाएगा, हमको लगता है कैपिटल पुलिस ईटानगर पुलिस जो ईटानगर का ध्यान देने से अच्छा है रूरल को रूरल में रहने दो। हमारा ये जो डिमांड जो है एक पुलिस चेक गेट को लेके है जो होलोंगी में है ना, होलोंगी है, तो हमारा जो ये है डिमांड जो स्टेट गवर्नमेंट को ही है, और साथ ही साथ में क्योंकि ये जो है कि एक होम डिपार्टमेंट से निकला हुआ था, जून का मंथ को निकला था एक ऑर्डर ना, तो उस ऑर्डर को हम लोगों ने ये बोल रहा है कि उस ऑर्डर को रोल बैक कर लीजिए ना, क्योंकि उसको कोई यहाँ का पब्लिक जो एक्सेप्ट नहीं है बोल के इसको हम लोग कर रहा है। और इसका रिलेटेड में हम लोग आज ऐसे धरना जो पीसफुल धरना जो ऐसे ही हम लोग नहीं बैठा, हम लोग गवर्नमेंट लेवल में ऑलरेडी हम लोग दो तीन बार वेरियस वे में हम लोग अप्रोचिंग तो कर चुका है, तो करने के बाद भी कोई ऑटोमेटिक जो हम लोग को रिस्पॉन्स नहीं मिला स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, इसलिए यहाँ का जितना जो पब्लिक से और एज ए हम प्रेशर ग्रुप हम लोग बहुत डिसअपॉइंट है ये चीज़ को लेके, इसलिए इसको आज हम लोग ने ऑर्गेनाइज किया गया। आपने बताया ऑर्डर को लेकर चेक पॉइंट को लेकर आप लोग धरना कर रहे हैं, एग्जैक्टली क्यों कर रहे हैं, क्या रीजन है इस पे? यही है कि ये वाला जो चेक गेट है ना, चेक गेट को है कि पीएस चिंपू ईटानगर जो पुलिस रेंज लोग देखना है बोल के ना, तो हम लोग इसको इसलिए ऑफोर्स, क्योंकि किसी चीज को हम ऑफोर्स कर रहे हैं तो उसका एक रीजन भी होना पड़ेगा। उसका कारण यही है कि ये लोग जो है 60% ऑफ होलोंगी एरिया को ले रहा है ये पुलिस जो कैपिटल रेंज वाला लोग, तो अभी देखो यहाँ आउटपोस्ट में केस भी रजिस्टर होगा ना, ये केस जब यहाँ रजिस्टर होगा तो यहाँ का केस को लेके जा रहा है कैपिटल में जा रहा है, और जबकि हमारा लोग का सामने हमारा सर्कल में ही पुलिस थाना है, हमारा लोग का मानना मेरा मानना ये है कि हम क्यों जाए उधर कैपिटल, ये तो अलग से एक इनकन्वीनियंस हो गया ना, तो यहाँ में पीएस है, और हम अगर होम डिपार्टमेंट को अगर बोलेगा स्टेट गवर्नमेंट को बोलेगा यही बोलेगा आपको क्या जरूरत है कि एक सर्कल में दो टीम पुलिस भेजने के लिए, एक रूरल हो गया एक कैपिटल हो गया, इसको तो कोई भी मीन्स लॉजिक ही नहीं लगता है हमको तो ये जो।
तो आपका कहना है कि ऑलरेडी जब बालीजान में पुलिस स्टेशन है तो बालीजान के लोग चिंपू में क्यों जाना है, आपका वो कहना है ना जी। तो अभी एग्जैक्टली आप लोगों को ये है कि रिवाइव कर देना, ये आपका डिमांड है कि जैसा चल रहा था वैसे ही चलने देना जी। जी हमारा जो है ये कि जो ऑर्डर 2021-26 फरवरी को जो होम डिपार्टमेंट से जो ऑर्डर ना दिया गया था उसी हिसाब से एज इट इज एब्सोल्यूट कर दीजिए, वही हमारा डिमांड है। जस्ट दिन के आपने हमने भी देखा थी कई पब्लिक लोग आए हैं बालीजान सर्कल से, इवन आपका ZPM लोग भी आए हैं। जस्ट इन केस आप लोग का जो ये डिमांड है आज के बाद में भी फुलफिल नहीं होता है तो फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन आप लोग की तरफ से क्या है? देखिए थोड़ा पहले भी मैंने बोला कि स्टेट गवर्नमेंट को यहाँ का लोग हमारा स्पेशल होलोंगी लोग ने बहुत कुछ दिया है। एक एयरपोर्ट को आने में हमारा लोग को मदद किया ना, उस पर भी हमने थोड़ा पहले बताया कि 1014 रुपीस था, उस पर 507 करके हमारा लोग ने लिया है स्टेट इंटरेस्ट में, गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हुए करवाया है। हम लोग को अभी ये चेक गेट को दे नहीं पा रहा है तो हम लोग जो है कि अभी गवर्नमेंट को भी हम लोग ऑफिशियली हम लोग जो लेटर है हम लोग देंगे, क्योंकि अभी यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन भी आया हुआ है हमारा, उसका देने के बाद में अगर रिस्पॉन्स नहीं आता है तो हम लोग पर्दर स्ट्रेटेजी तो जरूर बनाएगा। ये जो गेट जो है इसको लेके हम लोग नॉर्मल से नहीं रहेगा, सोच सकता होगा होम डिपार्टमेंट ये सोच रहा होगा, गवर्नमेंट ये सोच रहा होगा कि ये लोग हल्ला करेगा, आज करेगा, कल करेगा, परसों खत्म हो जाएगा, ऐसे सोच के अगर बैठ रहे तो गलत होगा और उसका गलत सोच होगा। स्पीच में आपने मेंशन किया था कि ऑर्डर से पहले आपका ZPM लीडर या MLA को कांटेक्ट नहीं किया या डिस्कस नहीं किया, तो ये कितना हद तक सच हो सकता है? क्या पता ऑर्डर दिया आपके MLA से बात करने के बाद में ही ये सब ऑर्डर निकला होगा, पता होगा मगर आपको वो पता नहीं होगा? नहीं नहीं ऐसे नहीं है, क्योंकि ये जो हम लोग लेटर देने के बाद में रिप्रेजेंटेशन देने के बाद हमारा जो ऑल पपम पुमा स्टूडेंट यूनियन का जो रिप्रेजेंटेशन लेटर का रिस्पांस जब आता है तब हमने ZPM को बताया और हमारा लोकल MLA को भी बताया कि ऐसा रिप्लाई आया गया। अभी आप लोग का तरफ से जो करके देखो तो पर्सनली जो CM सर ने सॉरी हमारा जो लोकल MLA आली सर ने भी CM का वहाँ गया, वहाँ बात किया, उसका मतलब हम लोग ये पता चलता है कि किसी से कंसल्ट नहीं किया, ये अपना हिसाब से होम डिपार्टमेंट जो बनाया है और जो पॉलिसी अभी लेके आ रहा है उसको तो हम ही नहीं, हर कोई नहीं मानता। आप जैसे कि अभी देख सकता है कि बिजनेस कम्युनिटी लोग भी पूरा अपना जो बिजनेस को आज रन नहीं कर, पूरा बंद करके रखा हुआ है, ऑल भी वेलकम नहीं है ये चीज को। जी जी जो नया ऑर्डर नया जो आप बोल रहे हैं नया पुलिस टीम पुलिस को बनाया है रैंक वाइज करने का जो और ज्यादा सर्व करने का, तो वो पुलिस को लेकर भी आप लोग डिमांड किया, तो आप लोग क्या वो पुलिस को करते हैं? नहीं देखिए हमारा मानना क्या है, हम ये बोल रहे हैं आप पुलिस को बढ़ाने से आप कैपिटल में जितना बढ़ाना है बढ़ाइए, अगर यहाँ में अगर अभी आप PS का अगर बात करते हैं PS भी अगर बनाने तो किसी न किसी चीज़ को तो आप सिस्टमेटिक वे में आना पड़ेगा ना। जैसे कि हमने कहा कि गवर्नमेंट अगर एक पॉलिसी लाता है तो हर कोई हर परिवार का हर एक मेंबर्स को तो नहीं पूछ सकता, लेकिन जो रिप्रेजेंटेटिव होता है पब्लिक्स का एरिया का उसको तो पूछना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटर होता है यहाँ में, पब्लिक लीडर्स होता है, ये सब का कंसर्न को तो लेके तो जाना पड़ता है ना। तो ऐसा नहीं कहा यहाँ में सिर्फ दिमाग में आया ऑर्डर रिलीज कर दिया, हम सब शौक हो गया, फिर भी हम लोगों ने सोचा है कि इसको यहाँ ट्रांसफर नहीं करने से पहले शिफ्टिंग जो पार्ट होता है वो चीज़ को नहीं करने से पहले हमने होम मिनिस्टर सर को कागज दिया, तो उसका देने का बाद हमारा देने का बाद ये लोग तो सोचना पड़ेगा ना, अरे यहाँ में कुछ कॉम्प्लिकेशन इन लोगों का ओपिनियन थोड़ा ऐसे ऐसे है देख लेना, लेकिन हमारा रिप्रेजेंटेशन को देखने के बाद इतना स्पीड अप उल्टा कर दिया कि यहाँ का जो रूरल वाला पुलिस लोग को यहाँ से शिफ्ट कर दिया बाहर और यहाँ से कैपिटल को ला दिया, ये जो है हमारा बात को एक वर्ड भी नहीं सुनने की वजह से हम बहुत डिसअपॉइंट है। बस कहना है कि पॉलिसी से आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है मगर ये जो चेक पोस्ट एरिया है उसको आप लोग अंदर रूरल में ही रखना है, हमारा रूरल में ही रखना है।